अनुज आप कैसे देखते हैं और आपके अब नियर टर्म टारगेट्स क्या होंगे सोने और चांदी दोनों में? मंशा जी गुड आफ्टरनून। देखिए गोल्ड और सिल्वर दोनों ही डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रेंड में, हालांकि हाई लेवल आने की वजह से, ओवरबॉट होने की वजह से हमने सिल्वर में करेक्शन देखा। हालांकि सिल्वर में जो हमने एक सेंटिमेंटल देखा है वो बेस मेटल से भी हमने क्यूज देखे हैं, जिस वजह से हमने देखा था कल भी बेस मेटल में गिरावट थी और आज भी हमने एक नेगेटिव सेंटिमेंट देखे हैं, तो उसकी वजह से सिल्वर के अंदर हमने गिरावट आती हुई देखी। हालांकि गोल्ड अभी भी सस्टेन है $1,850 के आसपास और 55,500 के आसपास, तो कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंटल है वो अभी भी पॉजिटिव है, बट एक नीचे का रिएक्शन हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आते हुए देखा है ओवरबॉट सिचुएशन की वजह से, और कहीं ना कहीं जो IMF का स्टेटमेंट आया उससे कुछ हद तक जो सेंटिमेंट है वो अभी भी पॉजिटिव है, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी बड़ी गिरावट यहाँ देखने को मिलेगी। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, अगेन हम एक बाइंग साइड में ट्रेंड आते हुए देखेंगे। हमें लगता है कि जल्दी ही गोल्ड का प्राइस ऊपर में $1,870-$1,880 आता हुआ दिखाई देगा, अगेन हमें लग रहा है कि 56,000 से लेकर 56,500 तक के लेवल आ सकते हैं। वहीं सिल्वर भी हमें लग रहा है कि अगेन 70,000 से लेकर 72,000 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में और $25 से $26 तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो फंडामेंटल साइड जाए और टेक्निकल चार्ट पे देखें तो मार्केट अभी भी पॉजिटिव साइड में है गोल्ड सिल्वर की, तो अगर थोड़ा बहुत डिप मिलता है तो खरीदारी के मौके ही देखने को मिलेंगे।